नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं ओप्पो रेनो 7 प्रो 5G और ओप्पो F21 प्रो 5G के बीच एक डिटेल कंपैरिजन। बताएंगे कि दोनों फ़ोन में से आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए या दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन आपके लिए बेहतर हो सकता है या और किस फ़ोन में आपको बेहतर फीचर देखने को मिलेंगे। सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले दोनों फ़ोन की डिस्प्ले क्वालिटी से। बात करें सबसे पहले ओप्पो रेनो 7 प्रो की डिस्प्ले की, तो इसमें आपको 6.55 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड स्क्रीन मिलती है, जो कि 90 हर्ट्ज के रेफ्रेश रेट और 400 प्लस PPI के साथ आती है। अब बात करें ओप्पो F21 प्रो 5G की, तो इसमें आपको 6.43 इंच की एमोलेड स्क्रीन मिलती है, इसमें भी आपको 90 हर्ट्ज का रेफ्रेश रेट और 400 प्लस PPI देखने को मिल जाती है। दोस्तों दोनों फ़ोन की वीडियो क्वालिटी की बात करें तो दोनों फ़ोन में आपको शार्प वीडियो क्वालिटी देखने को मिलती है। इसके अलावा कलर टोन भी आपको दोनों फ़ोन में बेहतर देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों फ़ोन में आपको एमोलेड स्क्रीन मिलती है। बात करें दोनों फ़ोन के डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की, तो ओप्पो F21 प्रो 5G के बैक पर आपको लेदर फाइबर ग्लास मिलता है, जो कि इन हैंड फील काफ़ी प्रीमियम लुक देता है। इसके अलावा इसके बैक पर आपको शाइनी लुक के साथ कलर चेंजिंग डिज़ाइन देखने को मिलती है। अब बात करें ओप्पो रेनो 7 प्रो की, तो इसके बैक पर भी आपको शाइनी लुक के साथ कलर चेंजिंग डिजाइन देखने को मिलती है। बैक पर आपको मैट फिनिश के साथ मेटल का बैक कवर भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस फोन की भी बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों दोनों फोन बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के मामले में आपको बेहतर देखने को मिलते हैं। दोस्तों दोनों फ़ोन की वेट एंड थिकनेस की बात करते हो, ओप्पो F21 प्रो 7.3 mm की थिकनेस और 173 ग्राम के साथ आता है। अब बात करें ओप्पो रेनो 7 प्रो की, तो यह 7.5 mm की थिकनेस और 180 ग्राम के साथ आता है। तो दोस्तों वेट एंड थिकनेस में ज़्यादा बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है, फिर भी ओप्पो F21 प्रो आपको हल्का और ज़्यादा स्लिम देखने को मिलता है। अब दोनों फ़ोन के OS एंड हार्डवेयर की बात करो, ओप्पो रेनो 7 प्रो एंड्रॉयड 11 के साथ कलर OS 12 पर रन करता है। इसी के साथ इसमें आपको डायमेंसिटी 1200 मैक्स CPU मिलता है, माली G77 इसमें आपको GPU मिलता है। अब बात करें ओप्पो F21 प्रो 5G की, तो इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 695 ऑक्टा कोर CPU, एड्रीनो 619 GPU, एंड्रॉयड 12 के साथ यह भी कलर OS 12 पर रन करता है। तो दोस्तों ओवरऑल कहें तो दोनों फ़ोन से आप हैवी गेमिंग और बेहतर मल्टीटास्किंग कर सकते हो, लेकिन कंपैरिजन वाइज कहें तो यहाँ पर आपको ओप्पो रेनो 7 प्रो बेहतर देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें आपको जो CPU मिलता है वह स्नैपड्रैगन 695 से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल CPU है। अब दोनों ही फ़ोन के स्टोरेज की बात करते हो, ओप्पो F21 प्रो 5G में आपको 8GB रैम के साथ 128GB का स्टोरेज मिलता है। इसमें आपको माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। रेनो 7 प्रो 5G में आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, 8GB रैम और 12GB रैम। इसके अलावा इसमें आपको 256GB का स्टोरेज मिलता है, इसमें आपको माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ज़्यादा स्टोरेज वाला फ़ोन चाहिए कम स्टोरेज वाला, क्योंकि दोनों फ़ोन के प्राइस में भी दोस्तों काफ़ी डिफरेंस है, वह आपको हम वीडियो के एंड में आपको बताने वाले हैं। अब दोनों ही फ़ोन के कैमरास की बात करते हो, ओप्पो रेनो 7 प्रो के रियर पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें 50 MP का प्राइमरी कैमरा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड और 2 MP का आपको मैक्रो लेंस मिलता है। इससे आप 4K तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको 32 MP का फ्रंट कैमरा भी देखने को मिल जाता है। अब बात करें ओप्पो F21 प्रो 5G की, तो इसमें आपको 64 MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है, 2 MP का डेप्थ और 2 MP का इसमें आपको मैक्रो लेंस मिलता है। इसके रियर से आप केवल फुल HD तक का ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो दोस्तों कैमरा के मामले में भी आपको रेनो 7 प्रो 5G ही बेहतर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके रियर से आप 4K तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके अलावा इसमें आपको जायरो EIS का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि वीडियो क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी में काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। अब दोस्तों बात करें दोनों फ़ोन की बैटरी की, तो दोनों फ़ोन में आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन फास्ट चार्जिंग में आपको रेनो 7 प्रो ही ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें आपको 65 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, जबकि ओप्पो F21 प्रो 5G में आपको 33 वाट की फास्ट चार्जिंग ही मिलती है। अब बात करें दोनों फ़ोन के कुछ अदर्स फीचर्स की, तो दोस्तों दोनों फ़ोन में आपको Type-C 2.0 का सपोर्ट मिल जाता है, दोनों फ़ोन में आपको NFC का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, दोनों फ़ोन में से आपको किसी में भी डुअल स्पीकर का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों दोनों फ़ोन के फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें, तो दोनों फ़ोन के पावर बटन में ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोनों फ़ोन के कैमराज के चारों ओर आपको ऑर्बिट लाइट या ब्रीदिंग लाइट देखने को मिल जाती है। प्राइस की बात करें तो ओप्पो F21 प्रो 5G आपको 27,000 की प्राइस में मिलता है, तो वहीं रेनो 7 प्रो आपको 37,000 की प्राइस रेंज में मिल जाता है।
तो दोस्तों बस यही था इस कंपैरिजन की वीडियो में। यदि आपका बजट 30,000 से ऊपर है तो आप रेनो 7 प्रो 5G को ले सकते हो। यदि आपका बजट 30,000 से कम है तब आप ओप्पो एफ 21 प्रो 5G को भी ले सकते हो। दोनों फ़ोन में प्राइस के अकॉर्डिंग बेहतर फीचर मिल जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।